इन तीनों देशों के इस कदम से इसराइल खासा भड़क गया। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स ने आयरलैंड और नॉर्वे से देश के राजदूतों को तुरंत वापस बुला लिया। इसराइल की स्थापना 1948 में हुई और भारत ने उसे साल 1950 में मान्यता दी, लेकिन राजनीतिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। इतना सबके बावजूद भारत ने इसराइल की विस्तारवादी नीति का समर्थन करने से हमेशा परहेज किया। अरब देशों में लाखों की संख्या भारतीय काम कर रहे हैं, उन पर भी किसी तरह का कोई संकट नहीं होगा। इसराइल या फिलिस्तीन दोनों देशों को लेकर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक कहावत पुरानी है कि इतिहास पर नजर डाली जाए तो दिल्ली चार बार उजड़ी है, लेकिन पिछले 5 दशकों में मिडिल ईस्ट कई बार लुटा, टूटा, बिखरा, सिमटा और सिमटता रहा। बस फर्क ये रहा कि दिल्ली लूटने वाले बाहरी थे और मिडिल ईस्ट को लूटने और लूटने वाले उनके अपने थे। जीवन एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन सरल प्रक्रिया को कहना जितना आसान है वो मिडिल ईस्ट में उतना ही खौफनाक है। इसको खौफनाक बनाने में जितना योगदान उनके अपनों का था, उतना ही मीडिया, यूएन, नाटो, यूरोपीय यूनियन और सोवियत यूनियन का भी रहा। जो देश अपनी संस्कृति, विरासत, कला, संगीन, केशर, पिस्ता के लिए जाना जाता था, वो आज बारूद के ढेर पर खड़े हैं। इनकी भविष्य का तो नहीं पता, लेकिन इनका अतीत खूनी रहा है और अब भी ये किसी सामूहिक कब्रगाह के बीच में है, जहां अपनों की तलाश में लोग एक दूसरे को हे की दृष्टिकोण से देखते हैं। जिस हाथ में किताब, कलम, पेंसिल होनी चाहिए थी, उन हाथों पर अब बंदूकें हैं। हालात बद से बदतर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य का लोगों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार, मीडिया, यूएन मनस्थान अवस्था में जा चुकी है। आप समझ चुके होंगे हम किन किन देशों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और खाड़ी, उन देशों की जो कई दशकों से कई गृह युद्ध तो कभी तानाशाही की मार झेलते रहे हैं। पूरी दुनिया आजकल मिडिल ईस्ट पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि वहां के हालात सामान्य नहीं है। बीते कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति के एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई, तो दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने इसराइल को झटका देते हुए यूरोप के 3 देश स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को लेकर बड़ा फैसला लिया। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा कदम उठाते हुए इसे एक अलग देश का दर्जा देने का ऐलान किया। इन तीनों देशों के इस कदम से इसराइल खासा भड़क गया। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कार्ड्स ने आयरलैंड और नॉर्वे से देश के राजदूतों को तुरंत वापस बुला लिया। दरअसल स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को देश का दर्जा देगा। इन तीनों देशों का ऐलान इसराइल सरकार को खासा नागवार गुजरा है। इसे लेकर इजरायली विदेश मंत्री कार्ड्स ने कहा कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिए जाने से गाजा में इजरायल के बंधकों को वापस देश में लाने के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही हमास और ईरान के जिहादियों को पुरस्कृत करने से संघर्ष विराम की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेन ने भी यही रुख अपनाया तो वहां से भी इसराइल के राजदूत को वापस बुला लिया जाएगा। इससे पहले बुधवार को नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टूर ने कहा, अगर मान्यता नहीं दी गई तो पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नॉर्वे 28 मई तक फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे देगा। यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ऐसे संकेत दिए हैं कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। उनकी दलील है कि क्षेत्र में शांति के लिए टू नेशन समाधान जरूरी है। नॉर्वे, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्रीय समाधान का कट्टर समर्थक रहा है। वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका रुख भी यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों के समान है। नॉर्वे सरकार के मंत्री ने कहा, हमास और आतंकवादी समूहों ने आतंक फैलाया है जो द्विराष्ट्रीय समाधान और इसराइल सरकार के समर्थक नहीं है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देना मौलिक अधिकार है। भारत और फिलिस्तीन के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। भारत के रुख को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसराइल और फिलिस्तीन के रिश्तों की शुरुआत में जाना होगा। इसराइल की स्थापना 1948 में हुई और भारत ने उसे साल 1950 में मान्यता दी, लेकिन राजनीतिक कूटनीतिक संबंध नहीं बने। 42 साल बाद 1992 में भारत ने इसराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, फिर जो संबंध बने वो आज तक प्रगाढ़ बने हुए हैं। आज दोनों देश एक दूसरे के साथ खूब व्यापार कर रहे हैं।
पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक भारत के साथ इसराइल का व्यापार 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो चुका था। कोविड के पहले यह सिर्फ 5 बिलियन डॉलर था। भारत एशिया में इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसराइल से जो कुल हथियार निर्यात होते हैं उसका 40% हिस्सा भारत पहुंचता है। हीरे के व्यापार में दोनों 50% के भागीदार हैं। इतना सबके बावजूद भारत ने इसराइल की विस्तारवादी नीति का समर्थन करने से हमेशा परहेज किया। उसने गाजा या वेस्ट बैंक पर इसराइल के कब्जे का समर्थन कभी नहीं किया। भारत इसराइल से दोस्ती रखते हुए ऐसे किसी विवादित मुद्दे पर उसका समर्थन नहीं करेगा जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी असहज स्थिति का सामना करना पड़े। इसराइल और भारत में एक महत्वपूर्ण समानता है, दोनों देश सीमा पार से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की परेशानी कुछ समझते हैं। भारत को एक और बात साफ साफ पता है कि उसे फिलिस्तीन से सीधे कोई फायदा नहीं, लेकिन उसका समर्थन करने से अरब देशों के साथ रिश्ते सहज रहेंगे। तेल गैस जैसी चीजें आयात होती रहेंगी और भारत से निर्यात भी बदस्तूर रहेगा। अरब देशों में लाखों की संख्या भारतीय काम कर रहे हैं, उन पर भी किसी तरह का कोई संकट नहीं होगा। इसराइल या फिलिस्तीन दोनों देशों को लेकर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। भारत शुरू से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। साल 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ वोट किया था। भारत ने यूनेस्को के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में मतदान किया। समय आने वाला वक्त बताएगा कि इसराइल और यूरोपीय यूनियन के रिश्ते कैसे रहेंगे। आज भारत एट नाइन में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।